चलिए दोस्तों, आज मैं हम आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ। मतलब एग्जाम में भी आपको काम में आ सकता है, और ये मतलब आ सकता नहीं, आता ही है। और ये पहले राजा महाराजा भी इसे यूज करते थे उनके वॉर टेक्टिक के लिए, नहीं तो फिर फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बहुत सारे काम के लिए मैजिक स्क्वायर यूज होता था। तो मैं आपको लास्ट में इसकी यूज भी बताऊंगा, पर ये मैजिक स्क्वायर है क्या और इसमें क्या होता है और ये मैजिक स्क्वायर में क्या मजेदार चीज है, ये मैं आज आपको बताऊंगा कि मैजिक स्क्वायर मतलब क्या है। ये मैजिक स्क्वायर तो हमें कर लेना है कि 3x3 मैजिक स्क्वायर है, तो 3x3 का मैजिक स्क्वायर मैं आपको बताऊंगा। अपने को ऐसे तीन बॉक्स, 3x3 कॉलम और 3 रो होने चाहिए, ऐसे बॉक्स बना लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मिडल नंबर, हर रो के मिडल नंबर में इसे और एक एक्स्ट्रा बॉक्स कर लेना है। और हमें करना है कि वर्टिकली मतलब आपने को इस तरह से वो नंबर्स के अरेंजमेंट करना है। आप कौन से भी नंबर से शुरू कर सकते हैं, कौन से भी नंबर से। अब मैं आपको पहले स्मॉल एग्जांपल बोल के 1 से करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे 1 से शुरू करना, 1 2 3, फिर डायगोनली वापस यहां से 4 5 6, फिर वापस 7 7 8 और 9, ये हो गया। आपने ऐसे डायगोनली अपने अरेंजमेंट कर दी। फिर बाद में आपने को करना है कि ये इधर का 7 मतलब अपोजिट उसके सामने लिख लेना है, कि यहाँ पे का 7 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे का 3 यहाँ पे आएगा, इधर का 9 इधर आएगा, इधर का 1 इधर आएगा। ये ऐसा अपना डायगोनल पूरा 3x3 का स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद जो अपन ने एक्स्ट्रा ये लिया था ये कट कर देना है, ये सब कट कर देना है। ये कट होने के बाद ये आपका हो जाएगा 3x3 का अपना स्क्वायर, मतलब ये 3x3 का। अब एक मजेदार चीज इसमें आप नोटिस की, आपको तो पहले समझेंगे नहीं कि ये क्या है। तो इसमें सबसे मजेदार चीज ये है कि जो मिडल नंबर होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 3 15। अब ये 15 नंबर जो है, तो ये 15 नंबर ही सबसे मजेदार चीज है इस पूरे बॉक्स में। तो आपको लगा होगा कि मैंने आपको वो कम नंबर से करके बताया, तो मैं आपको और एक मैजिक स्क्वायर बड़े नंबर से करके बताता हूँ। तो वैसे ही अपने को 3 कॉलम्स और 3 रो होने चाहिए, ऐसा स्क्वायर बना लेना है। और ये एक एक्स्ट्रा का अपने को 4 बॉक्स कर लेने हैं। तो अब मैं 4 से आपको करके बताता हूँ, 4 से कैसा होगा। तो 4 पहला नंबर लें, 4 5 6 7 8 9, ये सब नंबर हमें ध्यान में रखना है, डायगोनली हमें लिखना है, सब नंबर डायगोनली लिखना है, 7 8 9 10 11 और 12। तो ऐसा हमने डायगोनली सब नंबर लिख दिए। तो हमें करना है ये 10 यहाँ पे, ये 6 यहाँ पे, ये 12 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे, ऐसा हमने कर दिया। तो ये जो बाहर के बॉक्स है ये बॉक्स कट हो जाएगा, ये बॉक्स कट होने के बाद हमारा ये हो जाएगा मैजिक स्क्वायर रेडी। और हमें करना बस है कि 8 को 3 टाइम्स कर लेना है, 8 3 24, ये हो गया आपकी मैजिक सम। और हमें ये तो पता चल गया कि इन सब की एडिशन वर्टिकली की या हॉरिजॉन्टली की कैसी भी करो आने वाली है 24 24। अब ये देखो 5 प्लस 12 प्लस 7, अब 7 प्लस 5 12 प्लस 7 19 19 प्लस 5 24, अब ये 10 प्लस 9 प्लस 5 15 15 प्लस 9 24, कुछ भी करो अपन तो अपना आने वाला है कि 24 ही अपना आंसर आने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि और एक अपने को कैसे कर लेना है। तो ये होगा अपना मैजिक क्वाड्रिलेटर। तो आपको मुझे करके बताना है कि मुझे आप ऐसा क्वाड्रिलेटर लिख निकाल लेना है, और मुझे बताना है कि एक क्वाड्रिलेटर आपको 6 से शुरू कर लेना है, और 6 की मैजिक सम क्या आती है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका यूज क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका यूज क्या था मैजिक क्वाड्रिलेटर का। तो पिछले जो अपने राजा महाराजा होते थे उनको एक साथ उनका मतलब बटालियन होती थी, आप अपनी बटालियन होती है, तो उनको एक संगत एक ही रो में जितने आदमी हो उतने ही रो और उतने ही कॉलम बनाने होते, मतलब उतने ही आदमी और उतने ही मतलब हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, मतलब नुकसान हो तो एक सार का हो और हमें समझ में आए कि कितना नुकसान हुआ है क्या हुआ है। और जब वो उनका धन दौलत होती थी उनका भी बंटवारा करते थे, तो वो भी इसी क्वाड्रिलेटरल की तरह करते थे, मतलब सभी बच्चों को एक समान सब कुछ मिले। तो इसका यहाँ पे भी और पुरातन कालों से पीरियड से भी इसका यूज होता आया है, तो अभी भी इसका यूज बहुत ही चीजों में होता है। तो मैं आपको एक आधे शॉर्ट्स में भी बताऊंगा कि इसका यूज क्या क्या होता है, मैं और रिसर्च करूंगा और आपको बताऊंगा। तो आपको ये मैजिक स्क्वायर 3x3 का, ऐसे ही 4x4 का भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और नया सीखने की और इच्छा होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।